श्री माननीय महेश कुमार राजभर जी अपने कुछ वर्ड्स आपके साथ रखेंगे, आपको गाइडलाइन दूंगा। प्लीज। हेलो, जय सुवर्देव, जय जय गरीबी गुजरात। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बस 5 मिनट बोला। जो पिता हैं और जो माताएं हैं और जो बहनें हैं, हम लोग राम भगवान को क्यों याद करते हैं? अनिल भाई बता दीजिए, कि कोई गल कोई भी बता सकते हैं, राम भगवान को लोग क्यों याद करते हैं? कोई बताएगा राम भगवान को क्यों याद करते हैं? बोलिए, भोजपुरी में बोलेंगे, बोलिए, राम भगवान को लोग क्यों मानते हैं? आवाज शांत रखिए, 5 मिनट का 2 मिनट टाइम देंगे हम। राम भगवान को लोग क्यों याद करते हैं, बोलिए, जवाब है उनके पास? कैसे कैसे वो काम हम भी तो कर सकते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? अब बात आगे की बात चालू होती है। बहन ने जो बोला, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 वरदान तो दशरथ जी ने दिया था कैकेयी को, कैकेयी थी ना, उतना महाभारत है, रामायण था, उतना मुझे नहीं आता, पर कैकेयी जो को युद्ध में वरदान दिया था, जाओ हम युद्ध जीत गए हैं तुम्हें 3 वरदान देते हैं। राम भगवान, भरत, लक्ष्मण सब लोग आए यहाँ पे, 5 मिनट उसके बाद मेरे पास भी टाइम नहीं है। अब वो आए, वो सब पूरा एकदम शादी ब्याह हो गया, सीता जी को लेके आए। उसके दासी थी वो, क्या कही थी, क्या नाम था उसका, क्या कही दासी का, मंथरा। मंथरा बोली, तुम्हारा लड़का तो राजा बन ही नहीं पाएगा, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो राम भगवान, राम जी को पता चला भाई पिताजी तो परेशान है, रात को गए हो, क्यों परेशान है आप? पुत्र प्रेम बोल नहीं पाए, बाहरी लोग से पता चला कि कैकेयी जी ने जो है वरदान मांगे कि राम भगवान को वनवास हो और भरत जी को राजगद्दी मिले, 14 साल बाद आए। अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम बिहार में और हम चलता है, हम क्या करेंगे? वरदान पूजे ले पड़ो, हम गई वरदान पूजे ले पड़ो, हम थोड़े गए। वो आप लोगों को भी लागू पड़ता है, आप जो यहाँ पे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते, पहले पढ़ते हैं कि हमें भी शिक्षा मिले तो हम भी डॉक्टर बन जाते हो। अरे उस पिता का तुम इज्जत करोगे, तुम्हें जन्म दे के बाहर लाया। आप लोग चीज समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी देर बाद आएंगे। राम भगवान चल दिए, चलो हम जा रहे हैं। बात यहाँ पे आती है कि पिताजी की बात रखना, आपके पिताजी बोलते होंगे, ए बाबू गुजरात पढ़ा, अरे घर बनवा दिया, हाउ बनवा दिया। आप लोग सोचते हैं कभी? कभी नहीं करते हैं। आप लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं है, बाकी कुछ पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब बनिया कौन सा पढ़ा लिखा है जो तेरी दुनिया जो गाँव में तेल बेचता है, कौन सा उसका आरक्षण है? बोलिए, कोई आरक्षण नहीं है। बट कभी देखे हो अपने खेत में, अपने साथ में बनिया खेती करते हुए? अगर खेती करता तो उनका गुलाम बन जाएंगे। आपके गांव में बनिया कभी खेती क्या है, बोलिए? उस आपका तो 2 बीघा 3 बीघा आधा कट्टा जमीन होता, उसका कौन सा जमीन है, बोलिए? किसी का जमीन नहीं है, सिर्फ घेरा फेरी, यहाँ से कानपुर से माल लिया, मऊ में बेचा, मऊ वाला माल पटना में बेचा, 5 रुपये 10 रुपये रखता के अपना प्रॉफिट कमा लिया। और हम लोग सुबह 8 बजे जाते हैं कंपनी में, 12 बजे तक, 10 बजे तक काम करते हैं, इसके हम लोग सोच नहीं पाते हैं। जिस दिन हमने सोचना चालू कर दिया ना, तो 100 वर्ष 80 हम लोग होंगे, 100
भाई से हमारे चाचा तुल्य बोले कि बाबू आप BMW लिए हैं। हम थोड़ा खुश हुए, फिर उनको सुनाए भी। एक BMW से मतलब नहीं है, आज एक महेश भाई 100 करोड़ का मालिक है, ऐसा 1000 महेश भाई चाहिए। आज इस कंपनी के अंदर सिग्मा टेक के अंदर 75 राजभर काम करते हैं, 75 पूरे इंडिया से। बात एक राजभर की नहीं है, ना एक अनिल भाई की बात है, ना एक चाचा की बात है, ऐसे 1 लाख राजभर चाहिए, 1 लाख। अगर घर का मुखिया दबंग होगा तो कोई नहीं दबाएगा, घर का मुखिया दबंग होगा कोई नहीं दबाएगा। हमें मजबूत बनना है, मजबूत बनिए। अब आगे राम भगवान पर कितना मिनट हुआ भाई, टाइम है फोन कर दे, बोलिए 3 मिनट और। अब आया लक्ष्मण, लक्ष्मण रामायण वाला, हम भोजपुरी जानबूझ के बोल रहे हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में उतरे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं हम। लक्ष्मण का बारी आया भाई, राम और लक्ष्मण का क्या लेना देना, वरदान तो राम भगवान को मिला था। अरे सर, राम भगवान को वनवास मिला था, समझ जाओ। लक्ष्मण भैया हम भी चलेंगे क्या, इसमें से कोई ईमानदार है जब उसका भाई दुख में हो साथ में खड़ा हो, नहीं मिलेगा राजभर में, तुरंत भागेगा, हम गाँव जाऊंगा नाचूंगा। सिर्फ एक जुट रही, एक जुट हम लोग का भी खानदान है, दबंग है किसी को गाड़ देते हैं किसी को, अरे नाम के राजभर है वो, सबको बनना है सबको। आज क्या गुजरात में भैया जी कदवा बोलते हैं, पैसा देने के टाइम पे कर रहा, और पैसा लो तो साहब, बात समझ में आया आप लोगों को, तो साहब बनिए साहब। अब साहब की डिग्री नहीं चाहिए, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, पानी पिलाओ भाई, पानी खाने का टाइम हो गया, भूख भी लगा होगा। हाँ हाँ, लक्ष्मण भगवान, लक्ष्मण को तो लेना देना नहीं था, लक्ष्मण जी को भी चले गए। अब नया नया शादी हुआ तो सीता जी का, अब पता चला कि भाई हमारा तो राजपाट चला गया, तो दूसरे भाई अब हम जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए आज लोग तो सीता माता बोलते हैं। तो भाई इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पिता है, मैं मान रहा हूँ कि चलो आपके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, एक जनरेशन को खराब कीजिए, उसमें डिग्री का जरूरत नहीं है। जो पिता है, हमारे पिताजी मजदूर थे, आज से 50 साल पहले 25 रुपया मिलता था, यहाँ पे चंद्रबली भाई होंगे जानते हैं, हमारे पिताजी खड़ा हुए बोले बोले क्यों बोल रहे बोले, हम अपने पिताजी को देखे बेचारे के पास कुछ नहीं था, रोएंगे नहीं हम, खड़े होते समाज में रोना बंद करवा दिया है बेचारे पढ़ाने के लिए। हम दो भाई है, हमारे भाई यहाँ खड़े हुए, भाई कहाँ है बराबर, दोनों भाई को इंजीनियर बनाने के लिए। आपको पता ही है, चाहे महाराष्ट्र में जाओ, अनिल भाई का लोग है पेंट सूट में आ गए हैं, बुरा मत मानिएगा, जिनका नसीब है कि पेंट सूट में आ गए, तो अच्छा मराठी मिल गया होगा, नहीं तो अभी पेंट अच्छी मशीन चलाते हैं। चाले से बोल रहे हैं महेश भाई। आगे का पिताजी को देखे, अब रोना नहीं यार, पुरान कपड़ा 8 घंटे का सर 300 रुपए फिर पड़ा, किसी की तरह पड़ा है। तो भाई जो भी हम उठा लोगों का बात नहीं करेंगे, जो एक्सपायरी डेट हो गए हैं उनसे बात नहीं करेंगे, जो जवान है जो 35 साल 20 साल 25 साल 45 साल, वो हम उनसे साथ बात करना चाहते हैं। देखो भाई, सबके माँ बाप चाहते हैं कि उसका लड़का आगे बढ़े, वही नहीं चाहता कि उसका लड़का मजदूर रहे। बट आज मैं अपने माँ से इतना ही कहूँगा, हमारी भी माँ है, वो भी बोलते झंडा गाड़ के आना, नहीं तो आना मत,
आप ही अपने बच्चों को बोलिए, अगली बार अपने माता श्री को हम लेके आएंगे, आप लोग अपने बच्चों को सीधा बोलिए, झंडा गाड़ के आइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है, जो पिछड़ा वर्ग का 6 बजे का, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भाई इतना टेंशन बात तो कहे हो के दुकान करे के भैया करू, अगर इतना टेंशन बा लेकर के बाप टेंशन बोले बढ़ो, अगर इतना होकर पढ़ावा लिखा हो तो भाई अगर अपन लगा था कि हम पाल पोष नहीं सकते कई बच्चा रखा भाई कहला का जरूरत नहीं, खुद गरीब बाड़ा, खुद दोषी बाड़ा, दूसरों के दोषी बनावा पड़ा जा, ये पाप पड़े ऐसे बढ़ के पाप नहीं है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए जय सुवर्ण, जय जय गरवी गुजरात, आज बोल नहीं हमारा, अगली बार बात करेंगे।